गाइस क्या आपको मालूम है ब्लू व्हेल से भी ज्यादा बड़ा जानवर कौन सा है? और दोस्तों आज मैं बताने जा रहा हूँ दुनिया के 5 सबसे खतरनाक जानवर जो आपने कहीं नहीं देखा हो, और आपको वीडियो के अंत में एक बोनस पॉइंट भी मिलेगा। क्या है वो बोनस पॉइंट जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों हमारे पूरे ब्रह्मांड में हमारी धरती ही एकमात्र ऐसी जगह है, हमारी इस खूबसूरत दुनिया में कई तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, और इन्हीं में से कुछ तो ऐसे जानवर हैं और कुछ तो है और कुछ तो अभी भी हैं जो देखने में बहुत ही खतरनाक और विशाल कायक है। और आपको पता ही होगा कि हमारी इस पृथ्वी पर जीवन शुरुआत से पहले बहुत मोटे चौड़े जानवरों ने राज किया है, पर इनके बारे में आप शायद जानते ही होंगे। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 10 दुनिया के सबसे बड़े जानवरों के बारे में, और आपको आखिर में एक बोनस पॉइंट भी मिलेगा। जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, और अपने हाथ वॉश करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पैरासेराथेरियम। दोस्तों शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज हमने एलिफेंट यानी हाथी को सबसे बड़े जानवरों की लिस्ट में नहीं रखा है, क्योंकि इस लिस्ट में हाथी से बहुत बड़े जानवरों की जगह मिल चुकी है इस वीडियो में। चलिए बात करते हैं इस जानवर की जिसका नाम भी बहुत बड़ा है। दोस्तों इसको जमीन पर रहने वाला सबसे बड़ा मैमल का भी नाम मिल चुका है। जब ये खड़ा हो जाता है तो इनकी लंबाई 7 मीटर यानी 24 फीट हो जाती, जो आज के समय के जिराफी से भी बड़ा जानवर। और इसकी वजन की बात करें तो इनका वजन 15 से 20 टन तक होता है, जो 5 या 6 हाथियों के बराबर होता है। ये जानवर इंसानों के लिए खतरनाक नहीं थे। नंबर 2 व्हेल शार्क। दोस्तों जब भी दुनिया की सबसे बड़े जानवर की बात होती है तो उसमें व्हेल शार्क का नाम भी जरूर आता है। तो चलिए व्हेल शार्क के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन बताता हूँ। पहली बात, व्हेल शार्क दुनिया की सबसे बड़ी शार्क है। व्हेल शार्क का रियल नेम है रेनोकोंडोन थाइपिस, जो बहुत ही बड़ी मछली है। इसका वजन बाकी व्हेलों से मुताबिक बहुत ज्यादा है। इनकी लंबाई की बात करें तो इनकी लंबाई 35 फीट और वजन 18,000 किलोग्राम होता है। ये मछली कई सालों तक जिंदा रह सकती है, और इनमें से कुछ तो 200 सालों तक जिंदा रह सकते हैं। दोस्तों इनका नाम शार्क है, तो आप सोच रहे होंगे ये समंदर की मछलियों को खाते होंगे, लेकिन मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये समंदर की मछलियों को नहीं बल्कि समंदर के पेड़ पौधों को खाते हैं, इसलिए ये हम इंसानों को कुछ नहीं करते। लेट 6 थाइस। वैसे तो आज के समय में वेल सबसे बड़ी मछली है, लेकिन ही साल पहले वेल इस मछली के सामने कुछ भी नहीं थी, जिसका नाम है लेट 6 थाइस। इस मछली की खोज सबसे पहले एल्फोर्ड निकोलसन ने 1886 को किया था। दोस्तों फर्स्ट टाइम इसके कंकाल को खोजा गया था, इससे पता लगा कि इसकी लंबाई सिर्फ 60 फीट तक जा सकती है। लेकिन जब कुछ साल बाद फिर से इसके शरीर के कुछ टुकड़े मिले तो मालूम हुआ ये 200 फीट तक हो सकती है। जी हाँ, 200 फीट तक हो सकती है, और इतनी लंबाई 40 साल में ही ये मछली को मिल जाती है। इनका वेट 35,000 किलोग्राम तक हुआ करता था, जो ब्लू व्हेल से भी बहुत बड़ी है। टाइटाना बुओ। दोस्तों ये तो आप सब जानते ही होंगे कि आज के समय में पाइथियन और एनाकोंडा को सबसे बड़े सांपों में गिना जाता है, पर ये दोनों ही टाइटाना बुआ के सामने कुछ नहीं है। इनकी लंबाई 42 फीट और वजन 12,000 किलोग्राम था। माना जाता है ये भयानक सांप साउथ अफ्रीका के जंगल में 6 करोड़ साल पहले पाए जाते थे।
क्रोनोसोरस। दोस्तों क्या आपको पता है जंगल का राजा किसको कहा जाता है? जी हाँ, आपने सही कहा, लायन। पर समंदर का राजा किसे कहा जाता है? नहीं पता ना, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि आज तक कोई भी साइंटिस्ट इसका प्रूफ नहीं किया है कि समुद्र का राजा किसको कहा जाता है। चलिए इसको छोड़िए, बात करते हैं क्रोनोसोरस। दुनिया का सबसे बड़ा पिलोसोरस है, जो छोटी गर्दन वाला पिलोसोरस था, जिसकी लंबाई 35 फीट और वजन 11,000 किलोग्राम तक था। माना जाता था कि ये 15 करोड़ साल पहले ये समुद्र का राजा था। गाइज आज यही खत्म करते हैं। अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर दूसरों के लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि उन्हें भी पता लगे दुनिया के सबसे खतरनाक और भयानक जानवर कौन है।